वेलकम टू माय चैनल अमृता कुकिंग क्रिएटिविटी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। आज बनाने जा रहे हैं मसाला डोसा। डोसा बनाने के लिए पहले एक कटोरी में उड़द दाल और उसे डबल कटोरी में चावल लेंगे। जितना उड़द दाल लेंगे उसे डबल चावल लेंगे। पानी में भिगो देंगे और 8-10 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से धोकर ग्राइंडर में पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी देकर ग्राइंडर में पीस लेंगे। पीसने के बाद एक बर्तन में निकाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला डोसा बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने देंगे। उस टाइम पे बॉयल आलू को छिलका साफ कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक लेंगे। डोसा बैटर थोड़ा पतला करेंगे। तेल गरम हो गया है। तेल में मस्टर्ड सीड डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और प्याज डालेंगे। थोड़ा प्याज को भूनेंगे। आलू को अच्छे से मैश कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मैं यहाँ पे सांभर मसाला डाल रही हूँ, आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं। धनिया पत्ता डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। डोसा बनाने के लिए तवा चढ़ा देंगे गैस के ऊपर। बैंगन के ऊपर के हिस्से काट कर और उसे तेल में डुबा कर अच्छे से तवा के ऊपर घिस देंगे। हमारा डोसा तवा रेडी हो गया है। डोसा बैटर डालकर गोल शेप में बनाइए। तवा अच्छे से गर्म होने चाहिए। थोड़े टाइम के बाद हमारे रेडी किए हुए आलू के मसाले डाल देंगे। ग्रेटेड किए हुए गाजर, प्याज, बीट और नारियल डालेंगे। थोड़ा क्रिस्पी होने देंगे। हमारा डोसा रेडी हो गया है। अभी डोसा को सर्व कीजिए चटनी और सांभर के साथ।